अस्सलाम वालेकुम गाइस, ये मोहम्मद रफी का चैनल मोहम्मद रफी के नाम से जो है। और आज हम अपनी शॉपिंग के बारे में बताएंगे। ये मोहम्मद रफी भी देखें कितना खुश है शॉपिंग को देखकर। आज हम शॉपिंग करने गए थे, हमने बहुत सी शॉपिंग की, घर की शॉपिंग की, सब चीज़ें लेकर आए हैं। और ये उसको जो हमने तवा लेकर आए हैं उसको देख रहा है। ये बर्तन लाए हैं और ये वैक्यूम क्लीनर है, ट्रे हैं। ये सारी चीज़ें मैं आपको वन बाय वन दिखाऊंगी। ये अभी अपनी मस्तियों में लगा हुआ है। ये बच्चा खूब बोल रहा था, कभी मुंह चढ़ा रहा था, कभी कुछ कर रहा था, उसे मज़े बहुत आ रहे थे। नई नई चीज़ें देख के सबको ही अच्छा लगता है और बच्चे खुश होते हैं देख के नई चीज़ें, चाहे जो उसके काम की नहीं थी फिर भी वो खुश था देखकर। और अजीब अजीब मुंह बना रहा है और खूब इंजॉय कर रहा है देख देख कर के। चलो, घर में हर बच्चे की ये होता है, चाहे अपना खिलौने हो, खिलौनों में शोर मचा देता है। और अब ये हर चीज़ को कह रहा है ये मेरी ही है और किसी की नहीं है, जैसे ये यूज़ करेगा। और ये अब अपने लगा हुआ है कि बस कोई हाथ ना लगाए, ये मैं ही देखूंगा इनको, हर चीज़ मैं खोल के देखता हूँ, मामा मैं ये करता हूँ। अब ये मैं आपको अपने बर्तन दिखाने लगी हूँ और ये मुझे बहुत पसंद आए बर्तन। ये बर्तन इनका कलर भी मुझे बहुत पसंद आया। अभी जब मैं यूज़ करूँगी फिर देखूँगी कैसे हैं और कैसे यूज़ होते हैं। और ये छोटा साइज़ है, इसमें पांच थे सेट, यानी कि जो पतीलियाँ होती हैं ना वो पांच थी, 22 पीसेस थे इसके। इसके कैप हैं और अभी तो इसके कैप के ऊपर जो होता है पकड़ने वाला हिस्सा वो नहीं लगा है अभी, वो पेज से सारा कस कर फिर दिखाऊंगी मैं आपको। इस पर कुछ बना कर फिर वीडियो अपलोड करूँगी। और ये मैं निकाल रही हूँ सारा कुछ, ये बहुत ज़बरदस्त लग रहे थे। अभी मैं पूरा सेट इसका जब देखेंगे ना, ऊपर शीशा भी उसका, शीशे का कैप भी बहुत अच्छा लगता है, सारा कुछ तो नज़र आने लग जाता है शीशे के कैप के ऊपर। ये मुझे बहुत अच्छा लगता था, लेकिन जो मेरे पास पहले थे ना उनके यानी कि थे शीशे लेकिन थोड़े बहुत नज़र आने वाले थे, ये फुल नज़र आने वाला है। और ये इसका भी ऊपर के जो कैप है वो भी लगेगा, फिर खूबसूरती आती है। और ये मुझे कलर इतना पसंद आया था, ब्लैक कलर भी था, दूसरा कलर भी था, लेकिन ये मुझे कलर बहुत पसंद आया क्योंकि पहले जो दो मैंने लिए हुए हैं वो ब्लैक और कोई, ये ब्लैक कलर में था, एक रेड में था, ये कलर नहीं था। लेकिन वो मैं मेरे जो भी है ना, वो जो पहले लिए थे वो लोकल ही निकले थे। अब इनका इसका कोई पता नहीं, अभी इसको यूज़ करेंगे तो पता लगेगा ये कैसा है और मैं आपसे ज़रूर शेयर करूँगी ये कैसा है। इसके साथ ये चम्मच मिले थे और ये कैप नहीं कर रहे हैं इसके, ये एप्रन भी इसके साथ दिया था। और अगर हमारी वीडियो आपको अच्छी लगती है तो ज़रूर लाइक कर दिया करें और सब्सक्राइब तो करना ना भूला करें बिल्कुल भी, क्योंकि आपके इसी उससे हमें बहुत सपोर्ट मिलता है और हम उससे खुश हो के और वीडियो भी बनाने की कोशिश करते हैं कि और वीडियो बनाएं। और ये मैं ट्रे भी लाई थी, ये ट्रे 3 इसके पीसेस थे, 3 पीस की है ये, सबसे बड़ी सबसे छोटी। ये देखें, और ये तवा है, ये भी हर तवे ना जो सेट के साथ मिलते हैं ना, जो दो दूसरे पहले लिए थे वो सारे ख़राब हो गए हैं, बस अल्लाह करे ये भी अच्छा निकला है। लेकर तो आई हूँ अपनी तरफ से। अब ये वैक्यूम क्लीनर मैं बरसों से चाहती थी कि मेरे पास वैक्यूम क्लीनर हो, पता नहीं क्यों इतना इसका मुझे ये है कि जो सोफे वगैरह साफ़ होने होते हैं ना वो इसी से होते हैं। बस मेरा था कि मैं इसको अल्लाह मुझे दिलवा दे, और अल्लाह ने दिलवा दिया, अल्लाह का शुक्र। इसे जब मैं यूज़ करूँगी उसकी भी वीडियो अपलोड करूँगी ताकि आप लोगों को भी पता लगे, आप भी फिर ख़रीदें तो एक इंसान को हो जाता है।
तजर्बा हो जाता है बंदे को कि हाँ कि क्या क्या नहीं कैसे लेना है, और इसका रिव्यू मैं ज़रूर सारा पूरा, अभी तो मुझे खुद नहीं फर्स्ट टाइम लिया है, अभी उसे ऑन करूँगी चलाऊँगी फिर आपको बताऊँगी कैसे है, यूज़ करके देखूँगी इसको। और हमारे इसको लाइक भी करना, कमेंट्स भी करना। ओके फिर, अल्लाह हाफिज़।